आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। अपराधों को रोकने के लिए साइबर सेल की नई शुरुआत, जिले में लगेगी अपराधों पर लगाम। धार जिले की जनता से छल कपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुए आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों के पहचान कर उनके विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई एवं ऑनलाइन ठगी की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक जिला धार आदित्य प्रताप सिंह ने आज धार जिले में साइबर हेल्पलाइन की शुरुआत की, जिसमें धार साइबर सेल द्वारा ऑनलाइन ठगी साइबर फ्रॉड की रोकथाम में सहायता हेतु साइबर हेल्पलाइन नंबर 7049126300 जारी किया गया, जिसमें आवेदक फोन के माध्यम से अपनी संबंधित शिकायतें हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवा सकेगा। शिकायतकर्ता द्वारा हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हेतु उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय साइबर मोनिका सिंह को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से समय समय पर साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता हेतु आवश्यक जानकारी भी आवेदकों को समझाई जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं धार जिला पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। आज धार पुलिस ने धार जिले के लिए एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बेसिकली जो धार साइबर सेल है उसका ये नंबर है, जिसमें एक हमारी डेडिकेटेड टीम रहेगी ऑनलाइन जितने भी साइबर फ्रॉड्स रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कई बार ये देखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन देने में डिले होने के कारण जो साइबर सेल है वो मदद नहीं कर पाता है कंप्लेनेंट्स की, इसलिए इस गैप को कवर करने के लिए हम ये हेल्पलाइन नंबर जो सभी थानों में भी रहेगा, यदि कोई भी कंप्लेनेंट थानों में भी जाता है तो तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। साइबर हेल्पलाइन का बेसिक काम ये रहेगा कि ऐसी कंप्लेन मिलने पे वो जो भी प्रयास कर सकते हैं अपनी तरफ से उसको करेंगे, नोडल से संपर्क करके और पैसा लौटाने का या उसका ट्रांजैक्शन रुकवाने का प्रयास करेंगे। सर नंबर बताने चाहेंगे सर? नंबर है 7049126300। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से रोशन रिंगनोदिया की रिपोर्ट।